हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय शैक्षणिक परिवेश में विकास की अवस्थाएं। भारतीय शैक्षणिक परिवेश में विकास की तीन अवस्थाएं बताई गई हैं। सबसे पहली है शैशवावस्था, सेकंड है बाल्यावस्था और तीसरे नंबर पर आती है किशोरावस्था। शैशवावस्था जिसका समय है जन्म से 5 वर्ष, कहीं कहीं पर आपको 0 से 5 वर्ष लिखा हुआ मिलेगा जो कि गलत है। ठीक है, जन्म से 5 वर्ष होता है, 0 जो है वो कोई भी समय नहीं होता है। बाल्यावस्था जिसका समय है 6 वर्ष से 11 या 12 वर्ष और किशोरावस्था इसका समय है 13 वर्ष से 18 वर्ष। तो भारतीय शैक्षणिक परिवेश में जो विकास की अवस्थाएं हैं, इनका समय जो है वो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और समय से भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। सबसे पहली है शैशवावस्था। शैशवावस्था जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी, और ये इन्फेंट शब्द से बना है। इन्फेंट यानी शैशव, जो कि लेटिन भाषा के इन्फेंस से लिया गया है और इन्फेंस का अर्थ होता है बोलने में अयोग्य। इसका मतलब है कि जन्म से 5 वर्ष तक का जो बालक है जो कि अच्छे से बोल नहीं पाता है, तो बोलने में अयोग्य है, ये अवस्था शैशवावस्था। इसके अलावा इसकी विशेषताएं हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल जो है शैशवावस्था को कहा जाता है, आदर्श काल इसे ही कहा जाता है। ये वो काल होता है जिसमें बच्चे को जिस तरीके से हम ढालना चाहें ढाल सकते हैं, कच्ची मिट्टी का वह होता है, उसमें जिस तरीके के आदर्श जो है संस्कार हम डालना चाहें हम डाल सकते हैं, क्योंकि हम जैसे उसको संस्कार देंगे वो वैसा ही बनेगा। इसे टॉय एज यानी खेलने की उम्र, प्री गैंग एज समूह बनाने से पहले की उम्र कहा जाता है। यहाँ पर जो है बच्चा समूह नहीं बनाता है, समूह कब बनाता है, इसके आगे की जो अवस्था है बाल्यावस्था, वहां पर बच्चा जो है समूह में रहने लगता है, अपने जो है दोस्त बनाने लग जाता है। तो गैंग एज से पहले की अवस्था है ये प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज है क्योंकि अभी बच्चा जो है वो छोटा है, स्कूल में उसका एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक है, और इससे पहले जो है वो जो ये शैशवावस्था है, इस समय वो प्ले ग्रुप, किंडरगार्टन यहाँ पर जाने लग जाता है, इसीलिए इसे प्री स्कूल एज कहा गया है। जॉन लॉक कहते हैं कि नवजात शिशु का मस्तिष्क जो है वह कोरे कागज के समान होता है, जिसे टेबुला रासा की संज्ञा दी है। नवजात शिशु में अनुभव का अभाव रहता है, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस जो है वह नवजात शिशु में नहीं होता है, और मस्तिष्क जो है किस तरीके का होता है, कोरे कागज के समान होता है। जिस तरीके से कोरे कागज पर हम कैसा भी लिख सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, उसी तरीके से एक जो शिशु होता है उसको हम जैसा भी बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आप ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, किस मनोवैज्ञानिक ने नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिसे टेबुला रासा की संज्ञा दी। तो आप याद रखेंगे जॉन लॉक। तो कैसे आप ध्यान में रखेंगे, टेबुला रासा जैसे कि टेबल जो है उसमें लॉक लगा दिया जाए, इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं कि टेबल में लॉक लगा दिया, जॉन लॉक की जो परिभाषा है उसमें टेबुला रासा कहा है। मोंटेसरी का कहना है कि बच्चों का जो दिमाग है स्पंज की तरह है, जहां जॉन लॉक ने टेबुला रासा कहा है मस्तिष्क को, उसी तरीके से मोंटेसरी ने बच्चों के दिमाग को क्या कहा है, स्पंज की तरह कहा है। ठीक है, वैलेंटाइन का कहना है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यानी कि ये अधिगम का ऐसा आदर्श काल है जिसमें हम बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहें सिखा सकते हैं, जैसे संस्कार जैसे आदर्श उसमें डालना चाहें डाल सकते हैं, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण काल है। हमें यहाँ पर जो है वो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यहाँ पर जो है वह पक्का हो जाता है यदि इन चीज़ों में, फिर उसके बाद जो है जो बच्चा जो है खुद समझने लगता है, खुद जो है जीवन के अनुभव लेने लगता है, तो यहाँ पर अनुभव की एक कमी होती है, इस वजह से जो है उस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से एक जो मकान होता है उसकी हम देखते हैं कि सबसे पहले ध्यान रखा जाता है कि उसकी जो नींव है वह बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि पूरा मकान जो है वो उसी पर टिका हुआ है। ठीक है, तो बेस जो है वो मजबूत होना चाहिए। इसी तरीके से जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण अवस्था है शैशवावस्था, तो यहाँ पर भी सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्राइड कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। अब देखिए फ्राइड ने क्या कहा है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समय 4-5 वर्ष तक का बच्चा, तो यहाँ पर उसके शारीरिक मानसिक, ठीक है, इन चीजों को देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
रॉस का कहना है कि शिशु जो है कल्पना का नायक होता है, अतः उसको भली भांति निर्देशन अपेक्षित है। वॉटसन का कहना है कि शैशव अवस्था में सीखने की सीमा तथा तीव्रता विकास की किसी भी अवस्था से अधिक होती है। वॉटसन जो कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कहा था कि मुझे कोई भी बालक दे दो, कोई भी शिशु दे दो, 5 वर्ष तक का कोई भी बच्चा दे दो, उसको आप जैसा भी चाहते हो मैं बना सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि बच्चे की जो है सीखने की क्षमता इस समय इतनी अधिक होती है, इतनी अधिक तीव्र होती है कि हम उसे कुछ भी सिखाना चाहें वो सीख सकता है। ठीक है, तो हमने देखा है कि बच्चों को जो है 15-20 कविताएं यदि सिखाना चाहें हम सिखा सकते हैं, यदि उनसे सुनने को बैठते हैं तो वो शांत नहीं रहेगा, लगातार सभी कविताएं जो है वो आपको सुनकर बता देगा। वहीं पर बड़ों की यदि हम बात करें, उनको हम सिखाना चाहें तो वहाँ पर देखेंगे कि वो इतने अच्छे तरीके से उनको याद नहीं कर सकते। छोटे बच्चों में रटने की प्रवृत्ति जो है वो बहुत अधिक होती है, उनको जैसा भी हम सिखाना चाहें सिखा सकते हैं, अनुभव की कमी होती है और वह चीज़ों को रटते चले जाते हैं। तो यहाँ पर सीखने की जो सीमा है, तीव्रता जो है, अधिगम जो है वो बहुत अत्यधिक तीव्र होता है, जो कि अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक है। वॉटसन कहते हैं कि जन्म के समय सभी बालक जो है समान होते हैं। क्रो एंड क्रो का कहना है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये वो समय है जहाँ पर जो बच्चा है वह केंद्र में रखा गया है, इस पर जो है सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। यहाँ तक कि पाठ्यक्रम की यदि बात करें तो पाठ्यक्रम भी बच्चों को ही ध्यान में रखकर बनाया जाता है। फिर देखिए, क्रो एंड क्रो की एक और परिभाषा है, शिशु शीघ्र ही अपनी आसपास की वस्तुओं के संदर्भ में जिज्ञासा उत्पन्न करने लगता है। यानी कि 2.5-3 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, शिशु हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपने देखा होगा हर चीज़ को वो जानना चाहता है। ठीक है, जिज्ञासा जो है उसके बहुत ज़्यादा होती है और हर बात पे जो है क्वेश्चनिंग करना जो है उसके मन में बहुत सारी जो है चीज़ें ये आती हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, इस तरीके के प्रश्न जो हैं उसके मन में उठते हैं और वह पूछता भी है। रूसो का कहना है कि बालक के हाथ पैर नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। प्रारंभिक शिक्षक जो है कौन से हैं? उसके हाथ पैर नेत्र 5 वर्ष तक इन्हीं के द्वारा जो है वह सोचता है, पहचान करता है और याद कर सकता है। तो इन्होंने जो है प्रारंभिक शिक्षक किसको बताया है? जो बच्चे के हाथ पैर नेत्र है, किसने बताया है? रूसो ने। ठीक है, और ये जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हीं से जो है वह चीज़ों को सीखता है, सोचता है, याद करता है। गैसिल की परिभाषा देखिए, बालक जो है प्रथम 5 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख जाता है। तो वही बात है, लेकिन इन्होंने जो है परिभाषा में जो है ये वर्ड यूज़ किए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रथम 5 वर्षों के बाद के जो 12 वर्ष हैं उससे दुगना सीखता है इन 5 वर्षों में। ठीक है, तो सीखने की जो प्रवृत्ति है इन 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा होती है। स्ट्रेंग के अनुसार जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। वह अपने और संसार के बारे में अधिकांश बातें जो हैं वो खेल के द्वारा सीखता है। तो इसीलिए इसे प्ले एज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है खेल खेल में बहुत सारी चीज़ों को सीख जाता है। हरलॉक का कहना है कि शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक की मानी जाती है। अब हरलॉक ने शैशवावस्था जो है जन्म से 5 वर्ष ना बताकर इन्होंने केवल जन्म से 2 सप्ताह तक की मानी है, ये आप ध्यान में रखें। ब्रजेश का कहना है कि जन्म के समय शिशु में संवेग पाया जाता है, कौन सा? उत्तेजना, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ब्रजेश ने क्या कहा है कि जन्म के समय शिशु में उत्तेजना संवेग पाया जाता है। तो ये परिभाषाएं जो हैं जिनसे हमें ये भी पता लगता है कि शैशवावस्था का समय कौन सा होता है, शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था। तो ये परिभाषाएं आप याद रखें, क्योंकि परिभाषाएं जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं कि किसने जो है ये कहा है कि शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक की मानी जाती है, तब आप ध्यान में रखिएगा हरलोक। नेक्स्ट देखें, विशेषताएं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आदर्श काल है, ये हमने देख लिया, वैलेंटाइन की परिभाषा भी है। शारीरिक विकास में तीव्र वृद्धि होती है, यहाँ पर बच्चा जो है वो भी शरीर से भी हम देखें तो बहुत तेज गति से बढ़ता है। उसके बाद जब इसकी नेक्स्ट अवस्था आती है बाल्यावस्था, तो यहाँ पर जो उसका शारीरिक विकास है वह थोड़ा सा रुक जाता है। उसके बाद फिर जो किशोरावस्था आएगी तो वहाँ पर फिर से बढ़ने लगता है।
तो शारीरिक विकास में तीव्र वृद्धि होती है शैशव अवस्था में, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, यहाँ पर बच्चा जो है वो अधिगम बहुत अधिक तीव्र गति से करता है। जन्म के समय शिशु न सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, ठीक है, किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता है। बच्चा जो होता है छोटा, उसमें नैतिकता जो है वह भी नहीं होती है। तो यहाँ पर शिशु जन्म के समय ना तो सामाजिक है और ना ही असामाजिक है। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था जो है वह 2 से 6 वर्ष मानी जाती है। अनुकरण करने की अवस्था, अनुकरण यानी इमिटेशन, जो भी बड़ा कोई कर रहा होता है छोटा बच्चा उसको भली भांति देखता है और उसी तरीके से वो करना प्रारंभ कर देता है, यानी यहाँ पर नकल करने की जो प्रवृत्ति है वह पाई जाती है। तो इसीलिए कहते भी हैं कि जो छोटा बच्चा है उसको सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसके सामने जो है खुद अच्छे कार्य करें। यदि हम खुद अच्छे कार्य करते हैं तो बच्चा जो है उसी तरीके से सीखता है। नैतिकता का अभाव, यहाँ जन्म से 5 वर्ष तक जो है वो बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का अभाव का मतलब क्या है कि यदि उसे जो है कोई चीज़ चाहिए तो वो चाहिए ही, उसके लिए वह जिद करने लगता है, रोने लगता है, वह इन चीज़ों से अनजान होता है कि इसका जो है क्या असर होगा, लोग जो है वो मुझे देखकर क्या कहेंगे। ये चीज़ जो है उसके दिमाग में नहीं होती है इस वक्त, और चाहे वो चीज़ जो है वो किसी भी तरीके से मिले, ठीक है, छीनने से मिले तो वह छीन लेता है। तो यहाँ पर नैतिकता का अभाव जो है वह होता है। दूसरों पर निर्भरता होती है, वह दूसरों पर निर्भर रहता है, माँ बाप जो कहते हैं उसी तरीके से उसको कार्य करना पड़ता है। आत्म प्रेम की अवस्था, जिसे फ्राइड ने क्या कहा है, नार्सिसिज्म कहा है, यानी कि जो बच्चा है वो खुद से ही प्रेम करता है, उसे जो चाहिए तो वो चाहिए ही। फ्राइड ने शैशव अवस्था को काम प्रवृत्ति की अवस्था बताई है। यह जो अवस्था है दोहराने की प्रवृत्ति, रटने पर आधारित स्मरण शक्ति यहाँ पर सबसे अधिक होती है। बच्चा जो है यदि हम उसको कविता सिखाना चाहें तो वह उस चीज को दोहराता है, ठीक है, और दोहराने से ही वो उसको याद हो जाती है, यानी यहाँ रटने की जो प्रवृत्ति है वह भी अधिक होती है। मुस्कान की अवस्था है 3 माह, ये आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा गया है कि मुस्कान की जो अवस्था है वह 6 माह है, 3 माह है, 8 माह है, तो आप ध्यान में रखें 3 माह का जो बच्चा है वह मुस्कान से जो है सारी बातें कह देता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ पाई जाती है, यदि उसे भूख लगती है तो वह रोकर अपनी चीज़ों को बताता है, ठीक है, यदि हम उसके गालों को टच करते हैं जब तो वह मुस्कान देता है। शैशव अवस्था में प्रसन्नता अधिक रहती है, यह बच्चा जो है वो आपको खुश ही नजर आएगा। जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक होती है, हर चीज को वो जानना चाहता है। सामाजिकरण जो है वो प्रारंभ होता है, देखिए शैशव अवस्था में 3 माह के बाद। कल्पना की सजीवता, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी निर्जीव वस्तु होती है उसमें भी सजीवता जो है ढूंढने लग जाता है कि इसमें भी जान है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी जो अवस्था है वह है बाल्य अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक की, चाइल्डहुड पीरियड, इसे प्ले एज कहते हैं, यहाँ पर बच्चा खेलने लग जाता है। और इससे पहले की जो अवस्था थी वह क्या थी, टॉय एज, जहाँ पर बच्चा खिलौनों से खेलता है। यहाँ पर बच्चा जो है छोटे छोटे ग्रुप बनाने लगता है, गैंग एज कहा जाता है, स्कूल में प्रवेश कर जाता है, फर्स्ट क्लास में आ जाता है, तो स्कूल एज इसको कहा जाता है। परिवर्ती बाल्यावस्था भी कहते हैं इसे, यह जीवन का बहुत ही अनोखा और निर्माणकारी काल है। आदर्श काल किसे कहा गया है, शैशव अवस्था को, अनोखा और निर्माणकारी काल किसे कहा गया है, बाल्यावस्था को, तो ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। रॉस का कहना है बाल्यावस्था के बारे में कि यह जो है मिथ्या परिपक्वता का काल है। बर्ट कहते हैं कि बाल्यावस्था में भ्रमण और साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। अब बच्चा जो है वो घर से बाहर जो है वो आ जाता है, खेलने लग जाता है अपने सभी साथियों के साथ, और जो है घूमना उसको बहुत पसंद आता है, और बहुत ही जो है साहसिक कार्य जो है वो करने की प्रवृत्ति यहाँ पर बढ़ जाती है। काल व ब्रूस कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का कैसा काल है, अनोखा काल है, ठीक है। तो आप जो है कैसे भी जो है परिभाषाएं आप ध्यान में रखें, ट्रिक के माध्यम से ध्यान में रखें, शब्द जो है वह पकड़े कि काल काल जो है वह बहुत ही अनोखा है, इस तरीके से भी आप जो है लगाकर याद कर सकते हैं कि किसने जीवन का अनोखा काल कहा है, काल व पुरुष ने। अब देखिए काल वर्ड यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सिगमंड फ्राइड का कहना है कि बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो काम प्रवृत्ति होती है वह सोई हुई रहती है, और इससे पहले की जो अवस्था थी शैशव अवस्था उसे सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा कि वह काम प्रवृत्ति की
तीव्र अवस्था है। बाल्यावस्था जो है निर्माणकारी काल है, यह भी कहते हैं फ्रायड। स्ट्रेंग का कहना है कि शायद ही कोई खेल जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, यानी यहाँ पर 6 से 12 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो सभी प्रकार के खेल खेलते हैं। किल पैट्रिक का कहना है कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है, यहाँ पर जो है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा है, किल पैट्रिक ने कहा है। अगला देखिए, ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन, बाल्यावस्था वह काल है जिसमें व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत ही सीमा तक निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अवस्था है, शैशवावस्था के बाद की अवस्था बाल्यावस्था, जहाँ पर आदर्शों का बहुत ही सीमा तक जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये निर्माणकारी काल कहलाता है। अब देखिए विशेषताएं जो हैं क्या हैं, सबसे पहले है जीवन का अनोखा काल है, हमने देख लिया निर्माणकारी काल है, और स्फूर्ति अवस्था है। खेल की आयु है, यहाँ बच्चा जो है वो खेलना प्रारंभ कर देता है अपने दोस्तों के साथ, सृजनात्मकता का विकास जो है वो यहीं से प्रारंभ हो जाता है और चरम सीमा पर पहुँचता है किशोरावस्था तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे की क्रिएटिविटी होती है वो हम देखते हैं कि जो 6 से अधिक उम्र के जो बच्चे होते हैं 12 वर्ष तक कुछ ना कुछ जो है वो बना रहे होते हैं, पता लग जाता है कि ये जो बच्चा है इसमें जो है इसका माइंड जो है कैसा है, क्रिएटिव माइंड है। मूर्त चिंतन का विकास, अब जो बच्चा है वह जो दिखाई दे रही हैं चीज़ें, जो भी मूर्त चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं जिनको हम छू सकते हैं, इन वस्तुओं को देखकर जो है वो सोचना प्रारंभ कर देता है। बालक की भाषा में जो है सर्वाधिक रुचि हो जाती है। उसके बाद देखिए, हमने देखा रॉस ने क्या कहा कि मिथ्या परिपक्वता का काल है बाल्यावस्था, यहाँ पर बच्चा जो है झूठ बोलना, चोरी, इनकी शुरुआत कर देता है। टारगेट उसका ये नहीं होता है कि झूठ बोलना है, चोरी करनी है, ये टारगेट यहाँ नहीं होता है, लेकिन इस समय बच्चा जो है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोलता है और चोरी करना प्रारंभ करता है। यहाँ पर बच्चे को यदि रोक दिया जाए तो ये बुरी आदतें जो है यहीं पर समाप्त हो जाती हैं। वास्तविक जगत में जो है प्रवेश करता है, यहाँ पर समझना प्रारंभ कर देता है बच्चा, तो जीवन जो है वास्तविक जीवन उसमें प्रवेश कर जाता है। 8 नंबर पर है समूह में खेलना, यानी कि गैंग एज, यहाँ पर जो है बच्चा समूह बनाने लग जाता है, लड़के जो हैं वो लड़कों का समूह बनाते हैं, लड़कियाँ लड़कियों का समूह बनाती हैं। दल और टोली की अवस्था कहा जाता है, टोली भी ऐसी होती है जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और थोड़ी सी ही परेशानी होने पर जो है वह बिगड़ भी जाती है। ठीक है, या यहाँ पर जो है खोखली मित्रता होती है। काम प्रवृत्ति जो है सुप्त होती है, फ्राइड ने कहा है कि यहाँ पर जो है जो काम प्रवृत्ति है वह सोई हुई रहती है। उसके बाद देखें विपरीत लिंगी में आकर्षण ना होना, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ जो गैंग बनती है, समूह जो बनते हैं बच्चों के, तो जो बच्चा होता है लड़का जो होता है वह लड़कों के साथ ही खेलना पसंद करेगा और लड़कियां लड़कियों के साथ ही, क्योंकि यहाँ पर विपरीत लिंगी आकर्षण होता है, अपने से अपोजिट जो होते हैं उनके साथ ही जो है बच्चा खेलना पसंद करता है। नेक्स्ट देखें शारीरिक विकास में स्थिरता, यहाँ पर जो शारीरिक विकास है वो उसमें थोड़ी सी जो है रुकावट आ जाती है। शैशवावस्था में बहुत अधिक तीव्र गति से जो है शारीरिक विकास होता है और फिर बाल्यावस्था में जो है उसमें थोड़ी सी जो है कमी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट जो अवस्था आएगी तो उसमें जो है दोबारा से किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। नैतिक व सामाजिक गुणों का विकास, जहाँ पर हमने देखा शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है, बच्चे को जो है गलत सही से कोई भी मतलब नहीं होता है, उसे जो चीज़ चाहिए होती है वह उसको चाहिए ही होती है, स्वार्थी स्थिति हम उसको कह सकते हैं। यहाँ पर बच्चा जो है जो समझने लगता है चीज़ों को और मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है, और यहाँ पर नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है, सीखने की गति जो है यहाँ शैशवावस्था से कम होती है। तो हमने देखा कि 5 वर्ष तक बच्चे को हम जितना भी सिखाना चाहें, जितना भी रटाना चाहें, हम रटा सकते हैं, उसके बाद की जो अवस्था होती है यहाँ पर सीखने की गति जो है उसमें कमी आ जाती है। पूर्व बाल्यावस्था जो है 2 से 6 वर्ष की मानी जाती है। ठीक है, जिसमें बालक जो है अन्वेषण की ओर प्रेरित होता है, यहाँ बच्चा जो है हमने देखा कि जिज्ञासा जो है वह उत्पन्न
होती है उसमें। तो जिज्ञासा का मतलब क्या है कि कोई चीज को जानने की इच्छा। अब वो है हर चीज को जानना चाहता है, तो वो क्या करता है, खोज करता है, अन्वेषण करता है, तो इस ओर जो है वह प्रेरित होता है। नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास में तीव्र वृद्धि, यहाँ पर नए नए स्किल जो है वो दिखाई देते हैं, नई जो क्षमताएं हैं उनका विकास होने लग जाता है। नेता बनने की इच्छा, नेतृत्व की जो भावना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट जो अवस्था है किशोरावस्था में। यहाँ पर इच्छा, नेता बनने की जो इच्छा है वह आ जाती है। बालक जो है अंतर्मुखी ना होकर बहिर्मुखी होता है, किसी भी बात को जो है वह छुपा नहीं सकता है, मन में दबा नहीं सकता है, हर चीज को जो है वह बोल देता है। निर उद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, भ्रमण की जो प्रवृत्ति है बाल्यावस्था में अधिक होती है। बच्चा जो है घर के अंदर हम देखते हैं कि वह बैठता तक नहीं है, ठीक है, एक जगह बैठना उसको पसंद नहीं होता है, उसको हमेशा जो है घूमना पसंद होता है। लेकिन यहाँ पर भी उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य को लेकर जो है भ्रमण की प्रवृत्ति नहीं होती है, बल्कि वह निर उद्देश्य जो है वो भ्रमण करना चाहता है। नेक्स्ट देखें किशोरावस्था, हमने दो अवस्थाएं देखी, शैशव अवस्था और बाल्यावस्था, जिसमें हमने देखा शैशव अवस्था ऐसी अवस्था होती है जहां बच्चे को हम कुछ भी सिखाना चाहें सिखा सकते हैं, वह अवस्था जो है आदर्श काल होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण समय होता है। उसके बाद की जो अवस्था होती है यहाँ पर बच्चा जो है सोचने की जो शक्ति है मूर्त चीजों के प्रति वह प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था जिसे 13 से 18 वर्ष तक का समय कहा जाता है। एडोलेसेंस जो है वो लेटिन भाषा के एडोलोसियर से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, वृद्धि होना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। बाल्यावस्था में जहाँ पर सारे विकास जो है उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है, तो यहाँ पर जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाती है शारीरिक वृद्धि। और जीवन का सबसे कठिन समय जो है यह माना जाता है, किसे, किशोरावस्था को, गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। यहाँ पर बच्चा जो है, यदि बच्चा सही दिशा में गया तो उसके लिए ये गोल्डन पीरियड है, यदि बच्चा जो है गलत दिशा में पड़ गया तो सबसे मुश्किल समय जो है इसी को माना जाएगा। बसंत ऋतु कह सकते हैं, टीन एज इसको कहा जाता है। किशोरावस्था में आकस्मिक यानी कि अचानक से त्वरित परिवर्तन होते हैं, यहाँ अचानक से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। स्टैनले हॉल की परिभाषा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार जो है स्टैनले हॉल की परिभाषा पूछी गई है, तो आप ध्यान में रखें, इन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था है वह बड़े संघर्ष, यहाँ जो है बच्चे को संघर्ष करना पड़ता है। अब वो संघर्ष जो है वो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तूफान की अवस्था है ये, तनाव जो है यहाँ पर बच्चा जो है यदि उसके कार्य नहीं बनते हैं तो वो टेंशन में आ जाता है। विरोध, जो अपने से जो बड़े होते हैं उनका विरोध करना प्रारंभ कर देता है यदि उनको उनकी बात जो है उनके हिसाब की नहीं लगती है। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था कहा जाता है। आप ध्यान में रखिएगा इस पूरी परिभाषा को। थोंडाई का कहना है कि किशोरावस्था में विकास जो है वह धीरे धीरे होता है, लगातार होता है लेकिन धीरे धीरे होता है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि किशोर ही वर्तमान की क्या है, शक्ति है। वर्तमान की शक्ति कौन है, किशोर, और भावी आशा है, भविष्य की जो उम्मीद है, आशा है, वह किशोर ही है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट परिभाषाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। वैलेंटाइन का कहना है कि शैशवावस्था जीवन का आदर्श काल है। कार्ल वॉबरुस ने कहा है कि यह बाल्यावस्था जो है वह जीवन का अनोखा काल है, और किशोरावस्था के बारे में किल पैट्रिक ने कहा है कि यह जीवन का सबसे कठिन काल है। तो हम इन तीन डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। कार्ल वॉबरुस में यहाँ पर देखिए काल शब्द आ रहा है, तो आप जो है इनकी परिभाषा में देखिए अनोखा काल। किल पैट्रिक की परिभाषा को कैसे याद रखेंगे, तो आप याद रख सकते हैं कि जो कील होती है, कील लोहे की, तो यदि वो चुभ जाए तो क्या होगा, बहुत दर्द होगा, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं कि कील लगने से जो है पूरा जीवन जो है कैसा हो गया, कठिन हो गया, ऐसे आप याद रखें। वैलेंटाइन की परिभाषा याद रखें कि वैलेंटाइन जो है आदर्श कहते हैं जीवन को, काल व ब्रुस की परिभाषा में काल है तो अनोखा काल कहते हैं बाल्यावस्था को, किल पैट्रिक में वर्ड है कील, तो कील लगने से जीवन जो है वो बहुत कठिन हो गया, तो इन्होंने किशोरावस्था को कहा है कठिन काल। ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने कहा है कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है
और जो प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था के अंत में यानी उत्तर बाल्यावस्था जो है उसके बाद की अवस्था किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था के पहले की जो अवस्था है वह कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था है। जीन प्याजे के अनुसार किशोरावस्था आदर्शों की वह अवस्था है जिसमें सिद्धांतों का निर्माण होता है और साथ ही जीवन का समायोजन होता है। तो यहाँ किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर बच्चा जो है स्वयं अपने सिद्धांतों का निर्माण करता है, अपने सिद्धांत स्वयं बनाता है ना, और जीवन का जो है समायोजन करना सीखता है, किस तरीके से जो भी अलग अलग परिस्थितियां उसके सामने आएंगी तो उसमें अपना एडजस्टमेंट कैसे बिठाना है, तो ये वो अवस्था है। वैलेंटाइन का कहना है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता ही क्या है, उत्तर किशोरावस्था है। तो यहाँ पर आप याद रखें, इन्होंने घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता इन दोनों को ही क्या कहा है, उत्तर किशोरावस्था। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का कैसा समय है, नाजुक समय है, यहाँ पर अपराध प्रवृत्ति होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। रॉस कहते हैं कि किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा जाता है। जिस तरीके से शैशवावस्था में शारीरिक विकास जो है वो बहुत अधिक तेज गति से बढ़ता है, बाल्यावस्था में यहाँ धीमी हो जाती है गति और उसके बाद किशोरावस्था आते ही दोबारा से जो है शरीर पकड़ता है और तेज गति से बढ़ता है, तो किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है रॉस ने। रॉस कहते हैं कि शिशु के समान किशोर को अपने वातावरण में समायोजन का कार्य करना पड़ता है। जिस तरीके से एक शिशु जो है, बच्चा जो है, जब वो माँ के गर्भ में था और जैसे ही वह माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसको यहाँ के मौसम, पर्यावरण सभी से जो है एडजस्ट करना पड़ता है, उसी तरीके से किशोर जो है उसको भी अपने समय में आकर जब वो 12-13 वर्ष का हो जाता है तो वातावरण के साथ समायोजन करना सीखना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए शिशु और किशोर इसको समान माना है रॉस ने। कॉल्सनेक का कहना है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। हम देखते हैं कि किशोर जो है यदि उनको सही जो है बातें सिखाई जाती हैं तो सबसे पहले जो है उनके दिमाग में यही आता है कि मुझे तो वही करना है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मुझे किसी की नहीं सुननी है और जो भी मेरे मार्ग में आ रहे हैं ये क्या है, हमारे जो है मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं, उनको अपने माता पिता की बात भी सही नहीं लगती है। ठीक है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता के लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है, जहाँ पर बच्चों को ये बोल दिया जाता है, जो बड़े बच्चे होते हैं 13-14-15 साल के, तो उनको कहा जाता है कि इस जगह पर मत जाओ, यहाँ पर सही नहीं है, तो बच्चा ये सोचता है कि इन्होंने ही मुझे वहाँ जाने से रोका है, मेरा तो मन था, ये तो जो है मेरे मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं, ठीक है, ये हमारी आज़ादी छीनना चाहते हैं, इस तरह का जो है उनको ऐसा महसूस होता है। विशेषताएं देखिए, जीवन का सबसे कठिन काल है यह हमने देख लिया है, दिवा स्वप्नों की उम्र है यानी दिन में भी स्वप्न जो है वह देखने की उम्र है किशोरावस्था। स्टैनले हॉल की परिभाषा में हमने देखा आंधी, तूफान, उलझन और संघर्ष की अवस्था है। समस्याओं की आयु, ये जो उम्र होती है यहाँ पर कई तरीके की समस्याएं जो हैं उसको फेस करना पड़ता है बच्चे को, जैसे कि शारीरिक समस्या हो गई, सामाजिक समस्या हो गई, ठीक है, उसके जो है इमोशन, तो जो इमोशन जो प्रॉब्लम है वह हो गई, मानसिक समस्या हो गई, तो कई तरीके की समस्याएं जो हैं उसके सामने आती हैं। जैसे कि बच्चा जो है 16-17 या 18 वर्ष का जब हो जाता है तो उसके सामने शैक्षिक समस्या ये आती है कि उसे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए या साइंस लेनी चाहिए। सुंदरता व श्रृंगार की उम्र, ये जो उम्र होती है जिसमें बच्चा जो है अपने आप को बहुत सुंदर दिखाना पसंद करता है। लड़कियां जो होती हैं उनको श्रृंगार करना बहुत पसंद होता है, आईना जो है हमेशा लेकर रखती हैं कि मैं जो है कहीं थोड़ी सी भी जो है बुरी ना लगूं, ठीक है, बाल जो है वो संवारना हमेशा ये उनका काम होता है। यदि लड़कों को देखें तो वो भी यही करते हैं। यहाँ पर विपरीत लिंगी आकर्षण होता है, इस वजह से लड़के जो हैं ये हमेशा करते हुए नजर आएंगे कि बालों को हाथ लगाते हुए नजर आते हैं कि कहीं जो है मेरे बाल जो है खराब ना हो गए हों, यदि किसी लड़की ने मुझे देख लिया तो वो क्या कहेगी, इस तरीके के जो है वो बातें उनके मन में आती हैं।
नायक की पूजा। तो यहाँ पर किसी न किसी को आइडियल मानने लग जाता है बच्चा और उसकी पूजा करता है। विपरीत लिंगी आकर्षण, जो लड़के होते हैं तो यहाँ पर लड़कियों के प्रति वो आकर्षित होते हैं और लड़कियाँ जो हैं वह लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं। काम शक्ति की प्रवत्ता, तो जहाँ पर बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति फ्राइड ने बताया कि वहाँ पर सुसुप्तावस्था कहा बाल्यावस्था को, यानी वहाँ काम प्रवृत्ति सोई हुई रहती है, यहाँ पर काम शक्ति जो है उसकी प्रवत्ता होती है। अमूर्त चिंतन, हमने देखा बाल्यावस्था जो है वहाँ पर बच्चा जो है मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, यानी कोई भी जो चीज़ होती है, व्यक्ति वस्तु, उसके बारे में जो है सोचना प्रारंभ कर देता है। लेकिन किशोरावस्था तक आते आते बच्चा जो है अमूर्त चिंतन, यानी उसको जो दिखाई नहीं दे रहा है उन चीज़ों के बारे में भी सोचना प्रारंभ कर देता है। तर्क वितर्क जो है वह भी प्रारंभ हो जाते हैं। समूह में सक्रिय रहने की अवस्था, अब जो समूह बनाता है बच्चा, ग्रुप जो बनाता है, तो वो जल्दी से जो है बिगड़ता नहीं है, बल्कि वहां पर बच्चा जो है एक्टिव रहता है, ठीक है, और हमेशा चाहता है ये ग्रुप जो है वह बना रहे। समाज सेवा, देश सेवा, ऐसी भावनाएं बच्चे के अंदर आ जाती हैं। तर्क वितर्क की अवस्था है। व्यवसाय का चुनाव, यहाँ पर बच्चा जो है व्यवसाय का चुनाव जो है करने लग जाता है, कौन सा व्यवसाय जो है उसके लिए सही रहेगा। संवेगों में तीव्र प्रवृत्ति, तो किशोरावस्था में जो इमोशन है बच्चे के, उनमें तीव्र वृद्धि देखी जाती है। करीबी दोस्ती की अवस्था, अब देखिए किशोरावस्था में हम बिल्कुल देखते हैं कि दो दोस्त जो होते हैं उनके बीच में वो किसी को नहीं आने देते हैं। यहाँ पर दोस्ती जो है इतनी पक्की होती है, बाल्यावस्था में दोस्ती इतनी पक्की नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा अधिक दोस्ती होती है कि बच्चे जो हैं एक दूसरे पर निर्भर रहकर ही सारे कार्य करने लग जाते हैं कि मेरे दोस्त ने जो है साइंस सब्जेक्ट लिया है तो मुझे भी साइंस सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, मेरा दोस्त जो है इस जगह पर घूमने जा रहा है तो मुझे भी इस जगह पर घूमने जाना है। यहाँ पर जो दोस्ती होती है वह बहुत ज़्यादा करीबी होती है। नेतृत्व की भावना, यहाँ पर बच्चे में नेतृत्व की भावना का विकास हो जाता है। नेता बनने की इच्छा बाल्यावस्था में जो जागृत हुई थी, यहाँ पर बच्चा जो है नेतृत्व करने की भावना उसमें आ जाती है। अत्यधिक तीव्र बुद्धि का विकास, यहाँ पर जो है ये चरम सीमा होती है, बच्चे की बुद्धि का विकास जो है वह कंप्लीट यहाँ हो जाता है। 17 नंबर पर है स्थिरता में कमी, तो बच्चा है जो है यहाँ पर स्थिरता में कमी आती है। 18 देखिए संवेगात्मक समायोजन में कमी, तो अपनी जो है भावनाओं पर जो है नियंत्रण न रख पाना, यही है संवेगात्मक समायोजन में कमी। बच्चा जो है अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता है किशोरावस्था में, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि जीवन का सबसे कठिन काल जो है किशोरावस्था है, दिवा स्वप्नों की उम्र है, आंधी तूफान उलझन की अवस्था है, समस्याओं की आयु है यह है, सुंदरता श्रृंगार की उम्र है, नायक की पूजा करने लगता है, विपरीत लिंगी आकर्षण है, काम शक्ति की प्रवृत्तता है, अमूर्त चिंतन का समय है, समाज सेवा, देश सेवा, तर्क वितर्क की अवस्था, व्यवसाय का चुनाव करने की अवस्था, संवेगों में अत्यधिक तीव्र वृद्धि होती है, करीबी दोस्ती की अवस्था है, नेतृत्व की भावना का विकास हो जाता है, अत्यधिक तीव्र बुद्धि का विकास है, स्थिरता में कमी और संवेगात्मक समायोजन में कमी। उसके बाद देखें किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत, तो देखिए सबसे पहला सिद्धांत है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सडन डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे अचानक से होते हैं और पूर्व अवस्थाओं से उनका कोई संबंध नहीं होता है। इस सिद्धांत का समर्थन कौन करते हैं? स्टैनले हॉल। तो आपको याद रखना है कि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था में आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया। इनकी बुक है एडोलेसेंस, 1904 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। इन्होंने कहा कि किशोर में जो भी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अचानक अकस्मात ही होते हैं। क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है, जिसके समर्थक हैं किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत भी किसका है? किशोरावस्था का। शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन यहाँ निरंतर होते हैं और क्रमशः होते हैं। तो ये दो सिद्धांत हैं किशोरावस्था के, आपको ध्यान में रखना है, स्टैनले हॉल का आकस्मिक विकास का सिद्धांत और दूसरा है किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ का क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है।
तीनों अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इनकी विशेषताएं जो हैं वो आपको याद रखनी है, डेफिनेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे के जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपकी ये तीनों अवस्थाएं जो हैं वो आपको याद रखनी है, ताकि आप वहां पर आपको समझ आ सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।